ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल ट्रेन को लेकर। स्पेशल ट्रेन का बुकिंग किस टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी बीच रेलवे काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता स्पेशल ट्रेन का बुकिंग किस टाइम होता है। जब हमें पता चलता है इसके बाद हम उसी ट्रेन में टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे नो सीट अवेलेबल या फिर वेटिंग या फिर रीग्रेड हो गया होता है और हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं स्पेशल ट्रेन का बुकिंग जो है किस टाइम होने वाला है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से वाले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपने देखे होंगे जब भी आप तत्काल टिकट, जनरल टिकट, जो टिकट आप बुक करते हैं, सबका टाइमिंग या फिर स्पेशल ट्रेन सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। जब हम तत्काल टिकट की बात किया जाए, यदि आप एसी का टिकट बुक करते हैं, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे खुलता है एसी क्लास का बुकिंग, और स्लीपर की बात किया जाए तत्काल में तो मॉर्निंग में 11 बजे होता है। इसके अलावा बात किया जाए जो ओपनिंग टिकट होता है, जो 120 दिन पहले टिकट बुकिंग होता है, उसका 120 दिन जो होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे होता है। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेन ऐसे भी है जिसका 10 दिन पहले बुकिंग होता है, जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पे, न्यू दिल्ली से राजगीर, एक नई दिल्ली राजगीर स्पेशल है जिसका बुकिंग 10 दिन पहले होता है। यानी कि आज मान लो 2 तारीख है, तो आज मॉर्निंग में 8 बजे अगर बुकिंग करेंगे आप, 12 तारीख का टिकट बुक हो जाएंगे। यदि आप 8 बजे से पहले आप चेक करते हैं तो आपको सीट अवेलेबल दिखाएगा, लेकिन 8:02 से 3 में देखेंगे तो आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 8 बजे इसका बुकिंग खुलता है और 2 से 3 में टिकट जितने भी होते हैं सीट अवेलेबल सारे के सारे वेटिंग लिस्ट में भी आ जाते हैं। और अभी जो लगातार जो स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं कोरोना का कहर को देखते हुए रेलवे जो चला रहे हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है, रेलवे जब भी आप स्पेशल ट्रेन चलाते हैं तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे पहले ही बुकिंग स्टार्ट कर देता है। यानी कि मान लो आपको कल ट्रेन से सफ़र करना है तो उसका बुकिंग आज खुलता है और हमें पता भी नहीं चलता आखिर में ऐसा रेलवे क्यों कर रहा है। क्योंकि रेलवे अगर एग्जैक्ट टाइम बता देंगे तो सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को ये पता चल जाता है से ट्रेन का बुकिंग किस टाइम होने वाला है। और यहाँ पर जो एजेंट लोग होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से टिकट बुक कर लेते हैं, इसकी वजह से रेलवे यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं स्पेशल ट्रेन का किस टाइम टिकट बुकिंग होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता होगा दिल्ली मुंबई से बिहार के लिए कि काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं जिसका बुकिंग कल खुलता है, जिसका बुकिंग आज खुलता है और कल के डेट में वो ट्रेन रवाना हो जाता है। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से जो फ़िलहाल में जो समर स्पेशल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन चलाए रहे उसका टाइम नहीं पता चलता है। तो आप लोगों को लगातार आपको जैसे कि आधे घंटे एक घंटे में IRCTC की वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से जिस रूट में आपको सफ़र करना है चेक करते रहना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस ट्रेन में टिकट खाली है तो आप लोगों को फटाफट टिकट बुक कर लेना है। इससे पहले आप लोगों को करना क्या है, यदि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को एक काम कर लेना है, जितने भी पैसेंजर का टिकट आपको बुक करना है तो मास्टर लिस्ट में पहले से ही नाम सेव करके रख लेना है, ताकि स्पेशल ट्रेन में टिकट बुकिंग करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।